बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे, साउंड होंगे और घर से बाहर नहीं होंगे, बिल्कुल घरों के अंदर होंगे। और ये प्लीज़ बारबेक्यूज और पार्टीज़ जो है ना बंद कर दीजिए, प्लीज़ मत करिए ना। देखें क्या हालात होते जा रहे हैं, कितने जो है ना केसेस सामने आ रहे हैं, तो मुझे तो अजीब ही हो रहा है यार, सुन सुन के डर ही लग रहा है। और आज मेरी जो है ना हेल्पर भी आई थी और आके ना सैलरी लेके गई है, मैंने उसको थोड़ी सी बढ़ा के ही सैलरी दे दी है। और उसको ये भी बोल दिया मैंने, कहा भाई जब ख़त्म होना पैसे आ जाना लेने के लिए, कोई इशू नहीं है तुम्हें जब ज़रूरत हो। क्योंकि जो है यार वो बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ लोगों के यहाँ तो यही है ना कि ज़ाहिर है वो जॉब पे थे, अब उनके घर में 5 लोग कमाते थे और 5 लोग, 5 के 5 अब घर बैठ गए, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये सब। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना नाश्ता वाश्ता हो गया, उसके बाद हमने कहा कि मैंने जल्दी से अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाई और उसके बाद मैं चली गई ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि रमज़ान जो है वो आ रहे हैं तो मुझे तैयारी तो करनी थी। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गाड़ियाँ और लोग सभी निकले में। खैर उसके बाद जो है ना मैंने शामी कबाब बना लिए जल्दी से, क्योंकि रमज़ान की तैयारी मैंने भी शुरू कर दी। मैं ग्रॉसरी लेके आ गई हूँ, ग्रॉसरी को सॉर्ट आउट कर लिया है और उसके बाद कबाब बना लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी चीज़ें अलहदा कर ली हैं और पेपर पे सब कुछ लिख लिया है, डिसाइड कर लिया है कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना और कितना बनाना है, कितनी क्वान्टिटी के बनाना है। क्योंकि एक बार मुझे याद है मैंने 5-6 साल पुरानी बात है ससुराल में, और काफ़ी सारे रोल बना के रख दिए थे कि रमज़ान ख़त्म हो गया था, वो रोल ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया भाई, इतने ज़्यादा मैंने क्यों बना लिए। खैर वो ईद पे निमट गए थे, लेकिन बहरहाल तो ये है कि क्वांटिटी मैटर करती है कि आप इतना बनाओगे जितना जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस बार तो रमज़ान की दावतें वगैरह भी लग रहा है कि नहीं होंगी, कि हमारे घर पे या किसी और के घर पे जो हम लोग किया करते थे वो भी नहीं होने वाली। खैर अल्लाह ताला बेहतर करे जो भी हो, और हमारे रमज़ान के बाबरकत महीने में और इसकी बरकतों से बरकतें हमारी लौट आएँ और सारी रौनकें लौट आएँ। तो जनाब फिर तैयारी कर ली है मैंने शुरू, तो मैंने शामी के बाद बना के रख दी है। और उसके अलावा मेरा इरादा ये है कि रोल और समोसों की तो मैं पट्टियाँ लेके आती थी हमेशा, कभी भी मैंने रोल समोसे की पट्टी घर में बनाई नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है बनानी पड़ेगी। और पापड़ी जो ऊपर से चाट वगैरह के डलती है वो भी मैं बाज़ार से लाती थी, और वो भी इस बार घर में बनानी पड़ेगी, क्योंकि बेकरीज़ वगैरह तो सब चीज़ें सारी चीज़ें बंद हैं, कुछ भी नहीं खुला हुआ। और जो है सिंपल ग्रॉसरी में जाके करके आ गई हूँ, इम्तियाज सुपर स्टोर चली गई थी मैं, वहाँ से करके आ गई हूँ ग्रॉसरी। और उसके बाद जो है बस ये है कि कबाब बन गए हैं, और ये मैं सोच रही हूँ इस बार की ना वैरायटी और कबाब जो हैं वो मैंने बनाने हैं, तो वो बना के रख दूँ। और उसके अलावा जो है ना समोसे रोल की जो है पट्टियाँ जो हैं सबसे पहले वो बनाऊँ, फिर उसका मिक्सचर बनाऊँ, इसी तरह से रोज़ाना काम डिस्ट्रीब्यूट करके ना आधा आधा शुरू कर दूँ। और सफाइयाँ तो चली रही हैं साथ में मेरी, कैबिनेट करके मैं सारी चीज़ें क्लीन करती चली जा रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं ना ओवन भी अपना थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ कि मेरा ओवन जो है ना वो किस सिचुएशन में किस हालत पे है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैंने देखे नीचे एक बर्नर्स ऑन करके तो बेकिंग बहुत में ज़्यादा पिज्ज़ा बन रहा है, केक बन रहा है, सब तो होता रहता है, लेकिन जो ऊपर वाले बर्नर्स है ना वो कलर देने वाले जो होते हैं ना वो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो मैंने कहा चलो यार आज मैं ना ट्राई करती हूँ और वो जो है ना ब्रेड बना लेती हूँ और उस पर ना ऊपर से कलर देके देखती हूँ कि यार मेरा ओवन सही वर्किंग पोजीशन में है भी कि नहीं है, क्योंकि ना वो काफ़ी दिन से बेक ही नहीं किया था कुछ, क्योंकि मेरे पास बड़ा ओवन जो है वो गैस ओवन है, छोटा ओवन जो है इलेक्ट्रिक ओवन है, लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ का, इतना छोटा है ना कि मैं बड़े साइज़ की अगर मैं ब्रेड बना रही हूँ कि जैसे पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, तो उसको ना कलर देने के लिए मैं उसको ना पूरा जो है वो उसमें नहीं रख सकती। तो फिर मैं मुझे जो है ना मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, तो वो ट्राई तो हो गया, तो मैंने साथ में ये पहले डो बना लिया था, डो में मैंने डाला था ईस्ट और चीनी और पानी डाल के थोड़ा सा नमक ऐड करके पहले तो मैंने उसको रख दिया था पानी डाल के कि वो थोड़ा सा फोमी फोमी सा हो जाए, तो वो फोमी हो गया था। उसके बाद जो है ना मैंने उसमें मैदा ऐड किया, फिर ये डो जो है रख दिया था मैंने 2 घंटे के लिए, वैसे तो आजकल गर्मी है तो बहुत ही जल्दी डो जो है वो राइज हो जाता है। उसके बाद ये मैंने मज़े से इसका जो है काउंटर पे मैं कर लेती हूँ और ब्रेड मैंने बना ली, ब्रेड बना रही के लिए ये मैं रोलिंग पिन से रोल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जो इसके अंदर बैटर लिया था ना, अब आप लोगों को बैटर की कहानी बताती हूँ कि मैंने ना बोनलेस हांडी बनाई थी, बोनलेस हांडी मैंने बनाई थी एक दिन पहले के लिए, पहले बनाई थी, तो मैं लेफ़्ट ओवर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कुकिंग में। तो मैंने क्या किया कि एक पैन में जो है मैदा बटर डाला, उसमें मैदा डाला, उसमें नमक काली मिर्च डाली और जो है कनौर चिकन क्यूब डाला और उसको खूब अच्छे से ना मिक्स कर लिया। और जब वो मिक्स हो गया तो उसके अंदर वो लेफ्ट ओवर बोनलेस चिकन जो थी और उसका जो भी मसाला था ना वो मैंने ऐड करके उसको पका लिया, फिर ठंडा करके उसके बाद ये ब्रेड बना ली। तो वो जब
इसी वजह से इसका कलर जो है वो इतना वाइटिश नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मज़ेदार स्पाइसी से बन गया था। तो ये जो है करते रहते हैं हम लोग, और जो है मज़ेदार से ट्रिक्स निकालती रहते हैं। सुघड़ औरतें हैं हम पाकिस्तान की, माशाल्लाह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सबकी सारी औरतें माशाल्लाह सुघड़ है। तो बहरहाल ये हम कारनामे करते रहते हैं, और जो है ना उससे अपना जो है लेफ़्ट ओवर जो है, आई थिंक मेरे ख्याल है हर घर में यही होता है कि लेफ़्ट ओवर, आप जैसे एक दिन दाल पकती है तो नेक्स्ट डे दाल के पराठे बन जाते हैं, एक दिन जो है अगर कोई कीमा बनता है तो नेक्स्ट डे जो है कीमा के पराठे बन जाते हैं, तो यही तो सब घरों में चलता है। तो बहरहाल ये चीज़ है। तो ये मैं क्या नाम है चुन रही थी ये, कि यार ये क्या चीज़ है, मैं खुद ही भूल गई थी, मैंने कलौंजी डाली थी इसके अंदर, मैं कलौंजी आटे में और इस तरह से पिज्ज़ा डो वगैरह जो भी बनाती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ। वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अच्छा रहता है, ईजी रहता है, कि बच्चे तो खाते नहीं है तो उनको इस तरीके से खिलाना बहुत अच्छा रहता है। और ये कि उसकी शिफा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें कितनी शिफा है। तो बस ये है कि ये बड़ा मज़े से जो है ना परांदा बना जो है ना बांध रही हूँ अब मैं, और ये लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट करते पूरा रास्ता बना दीजिए, और ये मज़ेदार सी ब्रेड तैयार हो जाती है। और उसके ऊपर फिर हम एग वॉश जो है वो लगा देते हैं। एग वॉश क्या होता है, अंडे लिए, अंडे को फेंटना है और उसके बाद ब्रश की मदद से लगा देना ऊपर। उसके बाद मैंने इस पर जो है बेकिंग ट्रे को ग्रीस किया और उसके ऊपर लगा रख दिया था। फिर उसके बाद इस पर एग वॉश लग जाएगा, और उसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स यानी कि तिल, काले तिल, वाइट तिल दोनों ही डाल दिए थे थोड़े थोड़े से, तो वो बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है, मज़ेदार लग रहा होता है। तो बस उसके बाद मैंने उसको बेक कर लिया था ओवन के अंदर रख के, और जो है वो बेक मैंने कितनी देर किया था, मेरे ख्याल है मैंने 10 मिनट के लिए बेक किया था। कलर मैंने दिया है 2-3 मिनट, 2-3 मिनट भी शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत कम देर के लिए कलर दिया था। और बहुत अच्छा सा क्या नाम है कलर जो है वो ऊपर से मैंने दिया। तो हुआ ये कि ओवन जो है मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत दिन बाद यूज़ करा ना, तो उसका जो राइट जब मैंने उसको रख दिया, थोड़ी देर बाद निकाला तो मैंने देखा कि एक तरफ से फ्लेम ऑन है और एक तरफ से फ्लेम जो है ना वो बुझ गई है, मतलब खुद ब खुद ही पता नहीं क्या हुआ ना, खुद ब खुद ही फ्लेम बुझ गई, जिसकी वजह से ना आधा जो था ना वो ज़रा सा ना जल गया। तो खैर इतना भी ऐसा बुरा नहीं जला था, बस थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो ये कि खा लिया थोड़ा सा ऊपर से स्क्रैच कर करके, क्योंकि टेस्ट अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने प्री हीट किया था, मेरे पास ये गैस ओवन है, तो मैं इसको इस तरीके से गैस ओवन के अंदर जो है रख रही हूँ। अब ऊपर से कलर दे, नीचे से तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अब जब ऊपर से कलर देने की बारी आई ना तो वो ज़रा से एक जगह से हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अभी आप लोग देखिएगा वीडियो में ना थोड़ा सा आगे जाके डिसहार्ट मत हो जाएगी सुनने के, तो जल गया नहीं, जला नहीं था, बस ज़रा सा हल्का सा लग गया था। खैर लेकिन ये है कि जब आप लोगों के साथ हर अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो थोड़ा क्या हो गया, थोड़ी सी बुरी चीज़ अगर थोड़ा सा हुआ है तो ये आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर रही हूँ। नहीं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो है ना हो सकते हैं सबके साथ मसले हो सकते हैं, और कोई बात नहीं, मैं अभी वैसे भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी और मेरा ट्राई था ये ओवन का, तो ये कामयाब हो गया मेरा। पहले जो है मैं पतीले में बेकिंग किया करती थी, पतीले में हमेशा मैंने बेक किया है, मैं बहुत बड़े से साइज़ का, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ज़रा सा ऊपर से ना, और तो ये अन इवन थोड़ा सा कलर इस वजह से हो गया कि वो एक तरफ से बर्नर जल रहा था और एक तरफ से बर्नर जल ही नहीं रहा था, तो ये कारनामा हो गया था थोड़ा सा तो, लेकिन बाकी अच्छी ब्रेड बन गई थी, टेस्ट भी अच्छा था। तो ये कि मज़ेदार सी ब्रेड तैयार है। अब मैं आपको, मेरे घर में बेकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डिफरेंट बेकिंग की रेसिपीज़, जब तक मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको दिखाती रहूँ। चलें जी, मिलते हैं अब कल की वीडियो में, कल किसी नए से आइडिया के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।